लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण में आज 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इस चरण में यूपी की 10 सीटों के भाग्य का फैसला भी होगा। इन 10 सीटों में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, जयाप्रदा और आजम खान समेत कई बड़े नेता मैदान में हैं। तीसरे चरण में यूपी की मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत इसमें वोटिंग हुई। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी सुबह मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले इटावा जिले के सेफई में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने इस सीट से प्रेम सिंह शाक्य को खड़ा किया है। मतदान के बाद रामगोपाल यादव ने दावा किया कि महागठबंधन 10 में से 10 सीटों पर जीतेगा। उन्होंने कहा कि वीवीपैट बहुत अच्छा काम कर रही है और साइकिल बहुत आगे चल रही है। उन्होंने कहा कि लोग ये मानकर चल रहे हैं कि इस गठबंधन को कोई हरा नहीं सकता। रामगोपाल ने कहा कि इस चरण में गठबंधन को किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार से इस बार चुनाव में बहुत अंतर है। पहले 73-7 था, इस बार 7-73 हो या हो सकता है कि 7 भी न हो। समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक रामगोपाल यादव ने मायावती के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर कहा, ये सवाल अभी मत पूछिए, ये 23 मई को पूछना, 23 मई को पीएम की तस्वीर साफ हो जाएगी। रामगोपाल यादव ने कहा कि 23 मई के बाद 24 मई को सारी विपक्ष पार्टियां एक हो जाएगी, पीएम 23 मई के बाद तय हो जाएगा बहुत आराम से। किसी भी पार्टी का कोई आदमी रेस में नहीं है।